कब से समस्या चल रही है आपको? सर एक साल से हो गया, एक साल से, छह महीने से अंदर अंदर अब फिलहाल दर्द ज्यादा बढ़ रही है। ज्यादा बढ़ रहा है, और कितनी दूर चलते हैं अभी कमर ऐसे टेढ़ी हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है मतलब एक घंटा चलते फिर कमर टेढ़ी हो जाती है। किचन का काम कर पाते हो खड़े होकर ज्यादा देर? नहीं सर। यहाँ आपको खिंचाव लगने लगी वहां रुकने? यहाँ पे हाँ सर, हाँ सर, बहुत ज्यादा है, कम है? ज्यादा है सर। पहले कितना उठ रहा था और अब कितना उठ रहा है? पहले से कम उठ रहा था, अभी ज्यादा उठ रहा है। अभी ज्यादा उठ रहा है, तो एसएलआरटी है इंप्रूव्ड अगर आप पुरानी स्कीम। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा एंड लेजरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम लेंथनिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिसेज लता मंगेश्वरी, शी इज 36 ईयर ओल्ड और ये बैंगलोर से आए हमारे पास। अभी इनकी समस्या ये है कि इनको कमर का दर्द स्टार्ट हुआ है लगभग एक साल पहले। हालांकि इनको 2015 से भी थोड़ी प्रॉब्लम थी पर वो इतनी सीवियर नहीं थी। एक साल से इनको प्रॉब्लम ज़्यादा स्टार्ट हुई और पिछले 6 महीने से तकलीफ पूरे पैर में, यानी कि लेफ्ट लोअर लिम रेडिकुलोपैथी जिसको हम शाटिका कहते हैं, उस चीज़ की तकलीफ है। सबसे बड़ी तकलीफ इनकी है कि इनको 2400 घंटे दर्द रहता है और इस समय ज़्यादा देर अगर चलते हैं तो इनकी कमर एक साइड झुक जाती है, इसको हम लिस्ट कहते हैं। ये सब समस्याएं आपको कब से समस्याएं चल रही है आपको? सर एक साल से हो गया, एक साल से ज़्यादा बढ़ रहा है। और कितनी दूर चलते हैं अभी कमर ऐसे टेढ़ी हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है मतलब एक घंटा चलते फिर कमर टेढ़ी। किचन का काम कर पाते हो खड़े होकर ज़्यादा देर? नहीं सर, कर नहीं पाते। ओके, और पेन हमेशा रहता है? हमेशा रहता है। इस समय भी आपको दर्द है? इस समय भी दर्द लग रहा है, तो 2400 घंटे इनको दर्द रहता है। वी हैव एग्जामिन्ड हर थोरोली, लेट जाइए, आई विल चेक हर एसएलआरटी। इनकी कमर में पूरा स्पाजम है, स्पेशली लंबर स्पाइन, कमर के निचले हिस्से को हम लंबर स्पाइन कहते हैं, पूरा स्पाजम है और टेंडरनेस ओवर L1, L2, L3, L4, L5, S1। इनको प्रॉब्लम जो है वो लेफ्ट में है। पहले आप राइट को उठा दीजिए, जहाँ पर खिंचाव लगे वहाँ बताना है। ओके, कंफर्टेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, इस वाले को उठाइए, जहाँ आपको खिंचाव लगने लगे वहाँ रुक जाना। यहाँ से ओके, दोबारा से करेंगे, घुटने को सीधा रखना है, अब करिए बस 30-40 के आसपास। थोड़ा सा दर्द बढ़ रहा है? हाँ। ज़्यादा बढ़ रहा है? ओके, अब मोड़िए अभी, तो वी कैन कंसीडर कि 40 के आसपास का एसएलआरटी इनका है। लेसिक्यू इज पॉजिटिव, अगर मैं पंजे को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, इनकी तरफ खींच रहे हैं, तो स्ट्रेस ओवर द नर्व आ रहा है, दिस इज कॉल्ड लेसिक्यू टेस्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव विच इंडिकेट सिवियरिटी। स्पाजम है, वी हैव सीन हर एमआरआई, इनके एमआरआई के अंदर L1, L2, L3, L4 एंड L4, L5 डिस्क प्रोलैप्स है। L1, L2 डिस्क प्रोलैप्स इतनी कॉमन नहीं होती, पर इनके अंदर 3 जगह पे डिस्क प्रोलैप्स आई है। एंड वी आर प्लानिंग फॉर DSCB बीटा 1, 2, 3 ऑन लेफ्ट साइड प्लस tau 4 एंड 5 ऑन बैक। सो फ्रेंड्स, हमने इनको बीटा 1, 2, 3 दिया है ऑन द लेफ्ट साइड एंड आई विल गो फॉर tau 4 एंड 5। फिर देखेंगे आप 20-30 मिनट्स के बाद कितना इनको इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हमारे पेशेंट हैं बैंगलोर से, दिस इज लता मंगेश्वरी, इनको हमने DSCB बीटा 1, 2, 3 लगाया था, इट्स बीन मोर देन हाफ एन आवर, और साथ में टाउ ब्लॉक्स लगाए थे बिकॉज कमर पे काफी स्पाजम था। तो अभी जानते हैं कि एसएलआरटी में क्या इम्प्रूवमेंट आई है। मैम, इस वाले पैर को उठाई जिसमें आपको तकलीफ थी, जहाँ आपको खिंचाव लगने लगे वहां रुकने। यहाँ पे हाँ सर, हाँ सर। बहुत ज्यादा है, कम है? ज्यादा है सर। पहले कितना उठ रहा था और अब कितना उठ रहा है? पहले से कम उठ रहा था, अभी ज्यादा उठ रहा है। अभी ज्यादा उठ रहा है, तो एसएलआरटी है इंप्रूव्ड। अगर आप पुरानी स्कीम की स्टार्टिंग की वीडियो देख रहे हैं तो यू कैन सी द पिक, इसमें 30-40 एसएलआरटी था, नाउ शी इज एबल टू लिफ्ट अप टू 70-80। मैं दोबारा उठा के दिखा दूंगा, जहाँ खिंचाव लगना शुरू रुक जाना। हाँ सर, चलो, तो इट हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट 30-40 to 80। तो मेरा ये मानना है कि अगर 10-20 डिग्री भी हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से 10-20 डिग्री जिस भी पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है एसएलआरटी के अंदर, दे विल इम्प्रूव। जिस पेशेंट का 10-20 डिग्री ऊपर चला गया पहले से, उनमें सुधार आता ही आता है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। ठीक है। कमर में आपको रिलैक्स लग रहा है? हाँ, करवट लेने में दिक्कत आ रही थी आपको? हाँ, दिक्कत आ रही थी, अभी ठीक है सर। अभी ठीक लग रहा है, करवट लेके तो बैठी। अर्लियर शी वाज नॉट एबल टू ट्रांस इन ब्रेन, करवट लेते समय जब इंजेक्शन लगाते हैं तो काफी दर्द लग रहा था, अभी बैठ के देखो रिलैक्स लग रहा है? रिलैक्स लग रहा है सर। रिलैक्स लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है ठीक हो जाएगा बिना ऑपरेशन? हां सर, ठीक है। चलो एक बार आ जाइए नीचे, थोड़ा घूम के देखो। चलते समय उस समय क्या खिंचाव था और अब कैसा रहा?
थोड़ी देर पंजा सुन रहता है, वो दवाई की वजह से होता है। पहले से बहुत ठीक है सर। पहले से ठीक है सर, बेटर लग रहा है? हाँ बेटर लग रहा है। ठीक है, बैठ सकते हैं, चल भी सकते हो, और चलने का मन है आप चल के देख सकते हैं। पहले से बेटर फील हो रहा है? हाँ सर बेटर, रिलैक्स लग रहा है? हाँ सर, हाँ सर। ओके, टेढ़ी चल रही थी, अभी ठीक तो चल रही है। पहले टेढ़ी चल रही थी, अभी आपको ठीक? हाँ ठीक है, ये और भी ठीक हो जाएगा। तो आइस पैक्स लगाने के, आपके स्पाज्म है, कमर काफी टाइट हो रही, तो उसमें बर्फ की सेक कर दी, क्योंकि बैंगलोर से आए काफी दूर से, इनको फिर दो दिन ट्रैवल करना है, दो दिन ट्रैवल करके आए, तो मैंने एडवाइस किया कि एनर्जेटिक्स आप ले लो आपको लगे तो, और घर जाके दो तीन दिन रेस्ट करना है, आइस पैक्स लगाने हैं, और फिर एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करनी है। सो हर SLRT इज इम्प्रूव्ड फ्रॉम 40 to 80, और चलने में भी आपको रिलैक्स फील हो रहा है, कमर आपका टेढ़ी थी, आपको सीधा लग रहा है, दैट्स अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट, लिस्ट भी इनका ठीक हो रहा है। सो फ्रेंड्स, DSCB इंजेक्शन का यही मैजिक होता है कि DSCB इंजेक्शन के माध्यम से आप किसी प्रकार की डिस्क की समस्या, किसी प्रकार का शाटी का पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रंट शोल्डर, इन सारी कंडीशन के अंदर इसको दिया जाता है, और इट्स वन ऑफ द बेस्ट पेन मैनेजमेंट टेक्निक जो न्यू टेक्निक उभर के आ रही है। ऑल ओवर वर्ल्ड लॉट ऑफ डॉक्टर्स आर गेटिंग ट्रेन्ड इन दिस, एंड ऑल ओवर वर्ल्ड अभी इस चीज को यूज किया जा रहा है, और DSCB इंजेक्शन का किसी प्रकार का कोई भी अभी तक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हमें साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिला है, एक्सेप्ट थोड़ी नंबनेस होती है थोड़ी देर के लिए, वो चली जाती है। ऐसी कोई भी समस्या आपको, आपके जानने वालों में परिवार में किसी को है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेज के हमारी टीम से फ्री ओपिनियन ले सकते हैं, और आगे में भी आपको ऐसी हेल्प टिप्स मिलते हैं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।